हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईपी क्लासेस। इस वीडियो में हम जीडीएस टू पोस्ट एमटीएस के बारे में देखेंगे। हमारी फोर्थ क्लास है। इसके पहले के तीन वीडियो में हमने ऑर्गेनाइजेशन ये टॉपिक कंप्लीट किया था, जो कि पीओ गाइड वन से आता है। इस वीडियो में हम आगे का टॉपिक देखेंगे, जो कि है टाइप्स ऑफ ऑफिसेस। इसमें आता है कि तीन प्रकार के पोस्ट ऑफिसेस हैं। पोस्ट ऑफिसेस आर डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस। पहला है हेड पोस्ट ऑफिस, दूसरा सब पोस्ट ऑफिस और तीसरा है ब्रांच पोस्ट ऑफिस। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने प्रकार के पोस्ट ऑफिस है, तो आपको बताना है कि तीन प्रकार के पोस्ट ऑफिस है। उसके बाद में आता है द फर्स्ट टू क्लासेस ऑफ ऑफिसेस नॉर्मली ट्रांजैक्ट ऑल टाइप्स ऑफ पोस्टल बिजनेसेस। यानी हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन ब्रांच पोस्ट ऑफिस सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। ये भी प्रश्न आ सकता है कि इनमें से कौन से पोस्ट ऑफिस सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, तो इसमें आपको सिलेक्ट करना होगा ब्रांच पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट है फैसिलिटीज आर जनरली प्रोवाइडेड एट ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज फॉर द मेन आइटम ऑफ पोस्टल वर्क लाइक डिलीवरी एंड डिस्पैच ऑफ मेल्स, बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल एंड पार्सल, एक्सेप्टिंग SB डिपॉजिट एंड इफेक्टिंग SB विड्रॉल्स एंड इश्यू एंड पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर थ्रू इन अ रिस्ट्रिक्टेड मैनर। यानी ब्रांच पोस्ट ऑफिस में हम क्या क्या काम कर सकते हैं, तो बुकिंग कर सकते हैं, डिलीवरी कर सकते हैं मेल्स की, बुकिंग रजिस्टर पार्सल की कर सकते हैं, SB डिपॉजिट विड्रॉल का काम कर सकते हैं, मनी ऑर्डर इश्यू कर सकते हैं, मनी ऑर्डर का पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह के काम ब्रांच पोस्ट ऑफिस में भी किए जा सकते हैं, यानी लेकिन रिस्ट्रिक्टेड मैनर में, यानी पूरी तरह से नहीं, कुछ तरीके से। नेक्स्ट है सो फार एज द पब्लिक इज कंसर्न देयर इज जनरली नो डिफरेंस इन द कैरेक्टर ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय सब पोस्ट ऑफिस एंड हेड पोस्ट ऑफिस एक्सेप्ट इन रिगार्ड टू अ फ्यू पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक ट्रांजेक्शन। तो पब्लिक से रिलेशन अगर देखा जाए तो सारे हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस में कामों में ज़्यादा अंतर नहीं है। सिर्फ कुछ पीओ सेविंग ट्रांजेक्शन जो है पोस्ट ऑफिस के, जो कुछ सेविंग ट्रांजेक्शन है उनको छोड़ के बाकी सारे ट्रांजेक्शन हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस दोनों जगह पे एक जैसे ही कर सकते हैं। सर्टन पोस्ट ऑफिस डू नॉट अंडरटेक ऑल टाइप्स ऑफ पोस्टल बिजनेस। कुछ कुछ पोस्ट ऑफिस में सारे प्रकार के पोस्ट ऑफिस के बिजनेस नहीं हो सकते, कुछ पोस्ट ऑफिस में ऐसे रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं। तो द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड विल बी फाउंड इन द लिस्ट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस पब्लिश्ड एज पार्ट 3 ऑफ दिस गाइड। तो इसका जो पार्ट 3 था पीओ गाइड का, उसमें इस तरह के पोस्ट ऑफिस नाम दिए हैं जिसमें कि कौन से रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए, यानी कौन से ट्रांजेक्शन वो नहीं कर सकते, ऐसे पोस्ट ऑफिस की लिस्ट दी थी पीओ गाइड के थर्ड पार्ट में, जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। नोट, यहाँ पे नोट दिया है द हेड ऑफिसेस इन द मोर इम्पोर्टेंट सिटीज आर इन द चार्ज ऑफ गैजेटेड ऑफिसर एंड सच हेड ऑफिसेस आर रेफर्ड टू एज फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिसेस। तो ऐसे हेड ऑफिसेस जो इम्पोर्टेंट सिटीज में है और जिनका इंचार्ज है गैजेटेड ऑफिसर, तो ऐसे पोस्ट ऑफिस को हेड फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस कहा जाएगा। फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर एक्सरसाइज ऑल द पावर्स ऑफ अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस इन रिगार्ड टू देयर ओन ऑफिस। तो यहाँ पर ऐसे पोस्ट ऑफिस जो है फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस, उनके बारे में जो पावर्स है वो फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर, मतलब उस पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट मास्टर है वही यूज कर सकता है सुपरिटेंडेंट के जगह पे, यानी सुपरिटेंडेंट के तो बजाय वही सारे पावर्स यूज करेगा ऐसे पोस्ट ऑफिस में जो कि फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर के अंडर है। यानी फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस में सुपरिटेंडेंट के जगह पे पोस्ट मास्टर ही पूरे पावर यूज करेगा। और एक नोट दिया है यहाँ पर कि वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स एंड मनी ऑर्डर्स विल नॉट बी बुक टू द एड्रेस ऑफ आर्मी पोस्ट ऑफिस। तो आर्मी पोस्ट ऑफिस के लिए हम VP नहीं भेज सकते, साथ ही साथ मनी ऑर्डर भी नहीं भेज सकते। वैल्यू पेएबल आर्टिकल और मनी ऑर्डर विल नॉट बी बुक टू द एड्रेस ऑफ आर्मी पोस्ट ऑफिस। आर्मी पोस्ट ऑफिस के लिए हम VP और मनी ऑर्डर नहीं भेज सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में भी देख लेते हैं। द वर्किंग आवर्स ऑफ द पोस्ट ऑफिसेस आर जनरली फिक्स्ड बाय द हेड ऑफ द सर्कल अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग्स गिवन क्लॉज 5 ऑफ द पोस्ट ऑफिस गाइड। यानी हेड कुछ पोस्ट ऑफिसेज जो ऐसे सारे पोस्ट ऑफिस का वर्किंग आवर्स हेड ऑफ द सर्कल डिसाइड करेंगे। वर्किंग आवर कौन डिसाइड करेंगे, जनरली हेड ऑफ द सर्कल यानी चीफ PMG डिसाइड करते हैं कि कौन से पोस्ट ऑफिस में कितने बजे तक काम होना चाहिए। और ये कहाँ पर दिया गया है, ये क्लॉज 5 में दिया गया है पीओ गाइड 1 के। पीओ गाइड 1 के क्लॉज 5 में दिया गया है कि सारे पोस्ट ऑफिस का वर्किंग आवर चीफ पोस्ट मास्टर जनरल यानी हेड ऑफ द सर्कल ही डिसाइड करेंगे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि वर्किंग आवर कौन डिसाइड करता है पोस्ट ऑफिस का, तो हेड ऑफ द सर्कल। और कौन से क्लॉज में दिया गया है पीओ गाइड का, तो ये है क्लॉज 5 में। नेक्स्ट है हाउएवर द डायरेक्टर जनरल में एक्सटेंड वर्किंग आवर्स ऑफ एनी पोस्ट ऑफिस अप टू 8:30 PM एंड कीप देम ओपन ऑन संडेज ऑल्सो। दीज पोस्ट ऑफिसेस विल बी टर्म्ड एज नाइस पोस्ट ऑफिस एंड विल ट्रांजैक्ट दोज ट्रांजैक्शन विच हैव बीन ऑथराइज्ड बाय द डायरेक्टर जनरल इन दिस बिहाफ। तो इस यहाँ पर कहा गया है कि डायरेक्टर जनरल कुछ कुछ पोस्ट ऑफिस का वर्किंग आवर जो है वो बढ़ा सकता है 8:30 बजे तक, और उन्हें संडे को भी ओपन रख सकता है। नॉर्मली क्या होता है कि पोस्ट ऑफिस का टाइम कौन
डिसाइड करता है हेड ऑफ द सर्कल यानी चीफ पीएमजी, लेकिन कुछ केस में डायरेक्टर जनरल वर्किंग आवर्स को 8:30 बजे तक बढ़ा सकता है और उन्हें संडे को भी ओपन रख सकता है। तो ऐसे पोस्ट ऑफिस को हम कहेंगे नाइट पोस्ट ऑफिस, और ये ऐसे ट्रांजेक्शन करेंगे जो कि डायरेक्टर जनरल ने ऑथराइज करके रखे, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन ये कर पाएंगे नाइट पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड आवर्स दिस पोस्ट ऑफिस विल जनरली बुक रजिस्टर आर्टिकल इंक्लूडिंग वीपी आर्टिकल एंड सेल आईपीओज एंड पोस्टेज स्टैम्प्स, डिपॉजिट इन टू सेविंग बैंक अकाउंट एंड सेल ऑफ कैश सर्टिफिकेट विल बी अवेलेबल अप टू 7 PM ऑन वीक डेज ओनली। तो यहाँ कहा गया है कि एक्सटेंडेड आवर्स यानी जो बढ़ा हुआ टाइम है 8:30 बजे तक का, इस टाइम में ये वीपी आर्टिकल बुक कर सकते हैं, रजिस्टर बुक कर सकते हैं, आईपीओ सेल कर सकते हैं, पोस्टेज स्टैम्प भी सेल कर सकते हैं, साथ ही साथ एसबी में डिपॉजिट विड्रॉल भी कर सकते हैं और एनएससी केवीपी भी इशू कर सकते हैं। लेकिन एनएससी केवीपी और एसबी डिपॉजिट का टाइमिंग रहेगा 7 बजे तक वीकडेज में यानी सोमवार से शुक्रवार को। नेक्स्ट है, ऑन संडेज एंड नेशनल हॉलीडेज एज वेल एज पीओ हॉलीडेज द नाइट पोस्ट ऑफिस फंक्शन एंड ऑब्जर्व रिस्ट्रिक्टेड वर्किंग आवर्स, दीज ऑफिसेज वर्क फॉर वन शिफ्ट ओनली फ्रॉम 10 to 5 PM। यानी संडे को और हॉलीडे के दिन ये ऐसे जो पोस्ट ऑफिस है नाइट पोस्ट ऑफिस वो सिर्फ एक ही शिफ्ट में काम करेंगे और 10 से 5 बजे तक ही ओपन रहेंगे। तो ऐसे दिनों में यानी संडे और अदर हॉलीडेज में यहाँ पर डिलीवरी वर्क टोटली बंद रहेगा। द डिलीवरी फंक्शन ऑफ दिस पोस्ट ऑफिस एंटायरली सस्पेंडेड एज वेल एज द पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर एंड सेविंग बैंक एंड पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट आर ऑल्सो सस्पेंडेड ऑन दिस डे। यानी ना मनी ऑर्डर इशू हो सकते हैं, ना एसबी में डिपॉजिट हो सकता है, ना एनएससी इशू हो सकती। संडे को और वर्किंग ये हॉलीडे को, नेशनल हॉलीडे को और संडे को सिर्फ 5 बजे तक काम चालू रहेगा, 10 से 5 बजे तक, और उसमें डिलीवरी का काम बंद रहेगा, साथ ही मनी ऑर्डर पेमेंट नहीं होगा, एनएससी इशू नहीं होगा और सेविंग बैंक के काम भी नहीं होंगे। उसके बाद में देखते हैं, नाइट पोस्ट ऑफिसेज आर इंडिकेटेड इन द लिस्ट ऑफ पोस्ट ऑफिसेज इन पार्ट 3 ऑफ दिस गाइड। तो पार्ट 3 में नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में भी दिया गया है, लेकिन हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है। नाइट पोस्ट ऑफिस कौन से ये पार्ट 3 में दिया गया। उसके बाद में मोबाइल पोस्ट ऑफिस जो भी है या नहीं है किसी को भी नहीं पता। पहला है, मोबाइल पोस्ट ऑफिसेज आर फंक्शनिंग एट बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, हैदराबाद, नागपुर, हैदराबाद, बैंगलोर, कानपुर, पूना, जयपुर एंड भिलाई इंडस्ट्रियल टाउनशिप। ये जगह दिए गए जहाँ पे मोबाइल पोस्ट ऑफिस अवेलेबल है लेकिन कभी दिखे नहीं। मोबाइल पोस्ट ऑफिसेज आर फंक्शनिंग एट बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, अहमदाबाद, नागपुर, हैदराबाद, बैंगलोर, कानपुर, पूना, जयपुर एंड भिलाई इंडस्ट्रियल टाउनशिप। उसके बाद में कहा गया, दिस मोबाइल पोस्ट ऑफिस आर इंटेंडेड टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ लेट पोस्टिंग इन द डिफरेंट एरियाज ऑफ द सिटीज एट डिफरेंट टाइमिंग अकॉर्डिंग टू अ फिक्स शेड्यूल एक्सक्लूडिंग इंश्योर्ड एंड वीपी। तो वीपी और इंश्योर्ड आर्टिकल मोबाइल पोस्ट ऑफिस में बुकिंग नहीं हो सकते है। तो लेट पोस्टिंग के लिए इनका यूज़ किया जा सकता है अलग अलग एरिया में, वहाँ पर ये पोस्ट ऑफिस जाएंगे और वहाँ पर बुकिंग करके आएंगे। इनका एक शेड्यूल फिक्स रहता है, उस शेड्यूल के हिसाब से उस एरिया में ये जाते हैं और वहाँ पर लेट पोस्टिंग करते हैं। दीज ऑफिस रिमेन क्लोज ऑन संडे एंड पोस्टल हॉलीडे, यानी संडे को और हॉलीडे को ये पोस्ट ऑफिस यानी मोबाइल पोस्ट ऑफिस बंद रहेंगे। द मोबाइल पोस्ट ऑफिस सेल स्टैम्प एंड पोस्टल स्टेशनरी बुक सरपेस एंड एयर मेल रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ द लेटर मेल एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस इंश्योरेंस वीपी एंड एयर पार्सल्स बिसाइड एक्सेप्टिंग अनरजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ द लेटर मेल फॉर द डिस्पैच। तो मोबाइल पोस्ट ऑफिस क्या क्या करता है, तो स्टैम्प सेल करता है, पोस्टल स्टेशनरी सेल कर सकता है, सरफेस और एयर मेल रजिस्टर्ड आर्टिकल बुक कर सकता है, लेटर मेल का वीपी नहीं बुक करेगा, इंश्योर्ड आर्टिकल नहीं बुक करेगा, एयर पार्सल बुक कर सकता है, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल भी एक्सेप्ट कर सकता है लेटर मेल का और उसे डिस्पैच के लिए भी भेज सकता है। ये हो गया मोबाइल पोस्ट ऑफिस का। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के आंसर ना आए तो वीडियो फिर से चलाइए, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। पोस्ट ऑफिसेज आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्लासेस, कितने टाइप के पोस्ट ऑफिसेज है ये यहाँ पर आपको बताना है। पहला ही पॉइंट हमने देखा था, आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए। दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑफिसेज डज नॉट ट्रांजैक्ट ऑल टाइप्स ऑफ पोस्टल बिजनेस, कौन से पोस्ट ऑफिसेज सारे ट्रांजैक्शन नहीं करते। तो दिया है हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस, ब्रांच पोस्ट ऑफिस, जनरल पोस्ट ऑफिस। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज आर जनरली प्रोवाइडेड इन ब्रांच पोस्ट ऑफिस, ब्रांच पोस्ट ऑफिस में कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है ये आपको बताना है। पहला डिलीवरी एंड डिस्पैच ऑफ मेल, दूसरा है बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल एंड पार्सल, एक्सेप्टिंग एसबी डिपॉजिट एंड इफेक्टिंग एसबी पेमेंट, इशू एंड पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर थ्रू एयर दो इन रिस्ट्रिक्टेड मैनर। तो ये चार ऑप्शन दिए, इनमें से जो नीचे में चार ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना है। ए में दिया है 1 and 2, 1 है डिलीवरी एंड डिस्पैच ऑफ मेल, 2 है बुकिंग एंड रजिस्टर ऑफ आर्टिकल एंड पार्सल। उसके बाद में दिया 1, 2, 3 ओनली, सी है 1, 2, 3, 1, 2 and 4 ओनली, और डी है 1, 2, 3 and 4 ओनली। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैनॉट बी बुक टू द एड्रेस ऑफ आर्मी पोस्टल
ऑफिस, आर्मी पोस्ट ऑफिस में कौन से आर्टिकल बुक नहीं कर सकते, आर्मी पोस्ट ऑफिस के लिए कौन से आर्टिकल बुक नहीं कर सकते, ये आपको बताना है। ए है स्पीड पोस्ट, बी है वैल्यू पेएबल आर्टिकल, सी है रजिस्टर आर्टिकल, डी है पार्सल आर्टिकल, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन, द वर्किंग आवर्स ऑफ द पोस्ट ऑफिसेज आर जनरली फिक्स्ड बाय, वर्किंग आवर्स कौन फिक्स करता है पोस्ट ऑफिस का, तो ये आपको बताना है। हेड ऑफ द डिवीजन, हेड ऑफ द रीजन, हेड ऑफ द सर्कल और लास्ट है डायरेक्टर जनरल, इनमें से कौन सा करेक्ट है आपको बताना है वर्किंग आवर्स के बारे में। नेक्स्ट है, इन विच क्लॉज ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड वन डिस्क्राइब द टाइमिंग फॉर वर्किंग आवर्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के वर्किंग आवर कौन से क्लॉज में दिए गए हैं पीओ गाइड वन के, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ये है क्लॉज 4, क्लॉज 5, क्लॉज 6, क्लॉज 7, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। नेक्स्ट, हु में एक्सटेंड वर्किंग आवर्स ऑफ पोस्ट ऑफिस अप टू 8:30 PM एंड कीप देम ओपन ऑन संडे ऑल्सो, कौन वर्किंग आवर्स बढ़ा सकता है पोस्ट ऑफिस का 8:30 बजे तक और उनको संडे को भी ओपन रख सकता है, किसकी परमिशन लगेगी, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हेड ऑफ द डिवीजन, हेड ऑफ द रीजन, हेड ऑफ द सर्कल और डायरेक्टर जनरल, करेक्ट ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। नेक्स्ट, 8th क्वेश्चन, नाइट पोस्ट ऑफिस में वर्क अप टू कितने बजे तक काम करते हैं नाइट पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन ए है 10 बजे तक रात के, 9:30 बजे, 9 बजे या 8:30 बजे तक नाइट पोस्ट ऑफिस का मैक्सिमम वर्किंग आवर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट पोस्ट ऑफिस विल ट्रांजेक्ट दोज ट्रांजेक्शन विच हैव बीन ऑथराइज बाय, कौन ऑथराइज करता है नाइट पोस्ट ऑफिस के ट्रांजेक्शन कौन से होने चाहिए, तो ऑप्शन है हेड ऑफ द डिवीजन, हेड ऑफ द रीजन, हेड ऑफ द सर्कल या डायरेक्टर जनरल। और लास्ट क्वेश्चन, वर्किंग आवर्स ऑफ नाइट पोस्ट ऑफिस ऑन संडे एंड हॉलीडेज आर, संडे को और हॉलीडे को कितने बजे तक काम करते हैं नाइट पोस्ट ऑफिस, तो ऑप्शन दिया है 10 से 5 बजे तक, 9 से 5 बजे तक, 8 से 5 बजे तक या 10 से 6 बजे तक, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और साथ ही शेयर जरूर करना जिससे कि बाकी के लोग भी देख सकें।